ये हम लोगों का जो मेन कोर्स हमने ऑर्डर किया था, ये पनीर चिली पटाटो है। ये कौन सा भैया? हांडी नवाबी पनीर। और ये जो उनका जो तवा सब्जी हमने ऑर्डर की है, चलिए हम लोग ये सब ट्राई करते हैं, फिर दाल बात करते हैं। और दाल भी यहाँ पे आ गई है, ये देखिए दाल मखानी मेरी फेवरेट है। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, आप लोग सब कैरे से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे और हमें दुआओं में भी याद रखेंगे। अभी हमारे जोधपुर में एक नया रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ है वेजिटेरियन के नाम से। पूरा इनका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा ट्रेन पे, शायद लोग ट्रेन है इनके यहाँ पे जो सब आपके टेबल पर आती है। मैं कभी गया नहीं वहाँ पे, चलिए सीधे वहाँ पे चलते हैं और वहाँ का खाना ट्राई करते हैं। इनकी जो लोकेशन है, जो रॉकिया जो रेस्टोरेंट है उसके सामने एक बिल्डिंग है, बस वहाँ पर उनकी लोकेशन है। चलिए सीधे वहाँ चलते हैं और वहाँ का लुत्फ उठाते हैं। हम लोग ब्रिज से जब नीचे उतरेंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर उनकी जो रेस्टोरेंट है वो एकदम लेफ्ट साइड में है। देखिए सामने जो रॉक यार्ड वाली जो बिल्डिंग है वो है और सामने इनकी शॉप है, इनकी सॉरी इनकी रेस्टोरेंट है। तो चलिए सीधा हम लोग यहाँ ट्राई करेंगे और पार्किंग में हमारी गाड़ी लगाएंगे। वेजिटेरियन के नाम से किचन एंड बैकमेंट्स, चलो आगे देखिए। इनके जब आप आएंगे तो यहाँ पे आएंगे देखिए इनका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा ट्रेन पे है। इनके जो टेबल्स हैं वहाँ पे एकदम ट्रेन के जो भी है वो ट्रेन आपके शायद आपके टेबल पर आएगी पूरी ट्रेन। तो हम लोगों को ये जो फर्स्ट टाइम शायद जोधपुर में कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लेके आए ये लोग, तो हर टेबल पे आपको ट्रैक्स मिल जाएंगे। देखिए तो पूरे इसमें सब शायद हर टेबल पर जो है वो ट्रेन आएगी और आपको सर्व करेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट टाइम शायद जोधपुर में लेके, चलो हम लोग फैमिली के साथ में हम लोग बैठते हैं फिर हम लोग बात करेंगे। मैं पूरा मेन्यू देखता हूँ, उसके बाद में आपको पूरा मेन्यू हम लोग दिखाएंगे। शायद हर टेबल पे इनके ट्रैक्स हैं तो लगता है कि पूरी ट्रेन हमारे सामने आ गई और ट्रेन से हमको शायद सर्व करेगी। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, शायद जोधपुर में भी ये पहले ही है, एक इनका जयपुर में है। तो चलिए मैं आपको पूरा मेन्यू दिखा दे इनका। जो देखिए इनका जो मेन्यू भी एकदम ट्रेन जैसा, मतलब पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा ट्रेन पर है। पूरा मेन्यू देखते हैं फिर हम लोग ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह। जो मेन्यू है वो हम लोग देखते हैं, देखिए पूरा खोलते हैं ये। तो स्टार्टिंग जब इनकी होती है तो इसमें लिखा है यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पूरा इन्होंने अपना बताया हुआ है इसमें। इसके बाद सूप शताब्दी का घास फूस इत्यादि, इसके बाद में अंग्रेजी पेय ठंडा वंडा पंजाबी मेल। तो इन्होंने एकदम डिफरेंटली इन्होंने अपना जो मेन्यू जो डिज़ाइन किया एकदम डिफरेंट है। प्लेटफॉर्म के स्टॉल्स हैं 3 से 6, ये आपको मिल जाएगा। अभी मालगाड़ी शुरू हुई है, इसमें भी काफ़ी सारे इनके पास है पापड़ जो स्टार्टर्स हैं वो सब इन्होंने जो एक अलग हेडलाइन दी है जिसका वो है अभी तो मालगाड़ी शुरू हुई है, तो इसमें सारे जो स्टार्टर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में सोनिया जी के यहाँ से, ये सब इटालियन है तो सोनिया जी के यहाँ से पिज़्ज़ाज पास्ताज, क्योंकि हर चाइनीज़ आइटम ख़राब नहीं होता है, तो ये इनका चाइनीज़ सेक्शन है। उसके बाद आप पैलेस ऑन व्हील्स है, जो इनका जो मेन कोर्स है वो पूरा इनके पास है। पनीर है, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, घट्टा मसाला, गोविंद घट्टा, दाल मखानी, दाल लहसुनी, दम आलू, काफ़ी तो मेन कोर्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट इनका देखते हैं, धान की मालगाड़ी। इसमें सब इनके पास जो राइस के जो भी प्रिपरेशन है वो राइस के इनके पास है वो जो सेक्शन में। उसके बाद फैलाने वाला रायता है, जो कि आप रायता भी काफ़ी सारे हैं। उसके बाद आप आ जाएँ रोटी छोटी में इनके पास जंगली रोटी है, गार्लिक नान है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं मीठे के छीटों के लिए। तो ये पूरा इनके पास जो डेजर्ट है वो है, तो डिफरेंट पूरा इन्होंने मेन्यू पूरा डिज़ाइन किया। तो हम लोग ऑर्डर करते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बताते हैं। बैंक्वेट हॉल भी इनके पास, तो आप वहाँ पर कोई भी अगर आपको कोई भी फंक्शन हो तो 100 अगर आपके गेस्ट हैं 100 गेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले सर हमारा ऑर्डर ले आप, सबसे पहले आप कर रहे हैं संतरे का शोरबा करें। यस सर। 3x5। उसके बाद आप आ जाएं,
उसके बाद हम लोग ऑर्डर देंगे। अभी तो गाड़ी शुरू हुई है, मैं से एक तो स्टफ बेस्ट स्टफ गुलेटी कबाब कर दें। यस सर। उसके बाद आप कर दें कि हनी चिली पटाटो। हाँ। उसके बाद आप आ जाएँ सोनिया जी, कैसे पूछते हैं हमको लेना है, पहले सोन मील्स में आ जाएँ। इसमें बेस्ट क्या है सर, आप मेन कोर्स की बात करेंगे तो मेन कोर्स में सर पनीर आपका हमारा हांडी नवाब पनीर है। कहाँ पे? हांडी नवाब। हांडी नवाबी पनीर। अच्छा, नॉर्मल स्पाइसी रहेगा। नॉर्मल स्पाइसी रहेगा। और ये तवा सब का टकाटक क्या है? और शेफ स्पेशल में क्या दे रहे हैं आप? इसमें हाफ सब्जी आएंगे, दो सब्जी आएंगे, इसमें एक पनीर लगातार वाली होगी, एक स्वीट सब्जी होगी, पनीर की नाड़ा कुकर। तो एक तो आप ये हांडी नवाबी पनीर कर दें और एक आप कर दें तवा सब टकाटक। ठीक है, एक दाल मखानी कर दें। दाल मखानी सबसे बड़ी बात, अगर रेस्टोरेंट में दाल मखानी अच्छी मिलती तो सब वेज सब्जी सारी अच्छी मिलती, बिकॉज दाल मखानी पूरी रात पकानी पड़ती है। दाल मखानी बहुत मुश्किल से बनती है। आप भी पूरी रात पकाते हैं दाल मखानी? गला के रखने। अच्छा, गला के। हाँ, वही तो ना। इसके बाद आप आ जाएँ, ये जंगली रोटी में क्या है? स्पाइसी रोटी। अच्छा, एक तो आप ये लगा दें जंगली रोटी, उसके बाद आप ऐसे करें तीन नान लगा दें। बाद नान। हाँ, बटर नान। फ्राई रहता नहीं अपने पास? फ्राई रहता है मतलब वेज रहता है? वेज रहता है। अच्छा, लहसुन पालक का रहता है। इसमें क्या वो छोंक लगाएंगे? लहसुन पालक दोनों डालेंगे, लहसुन भुजा हुआ होगा। अच्छा, टेस्टी होगा, स्वीट रहेगा। चलो एक ही लगा दो लहसुन पालक का। तो एक बार हमारे हमारे जो सब्सक्राइबर उनके लिए एक बार ऑर्डर वापस आप रिपीट करते हैं प्लीज़। बिल्कुल शुरू लाना है ना। अब इसमें आपको सैलेड करना है? हाँ हाँ, सैलेड नहीं, सैलेड नहीं करना, सैलेड 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 नहीं। आपका एक संतरे का शोरबा 3x5 है। हाँ हाँ। एक बेज स्टफ गुलाटी कबाब है, एक हनी चिली पटेटो है, एक हाँड़ी नवाई पनीर है, एक तवा सब्जी चकाटक है, एक दाल मखानी है, एक जंगली रोटी है, तंदूरी बटर तीन है, एक लहसुन पालक है। परफेक्ट। अब इसमें आपको क्या करना है, सूप को पहले लेके आना। यस। उसके बाद में बाकी सब स्टार्टर सब्जी और सब कुछ साथ में लेके आना। सब साथ में, सूप के अलावा सब चीज़ साथ में लेके आना। यस सर। ठीक है। हमारे जो हमने जो फर्स्ट जो ऑर्डर दिया था, जो संतरे का शोरबा ऑर्डर किया था, ये ट्रेन से नहीं आएगा, बाकी सारा ऑर्डर ट्रेन से आएगा। ट्राई करते हैं इसको। डिफरेंट है, ऑरेंज कैसा है, थोड़ा बहुत स्पाइसी भी और स्वीट भी, माशाल्लाह। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। चलिए हम लोग हमारा मेन कोर्स के लिए वेट करते हैं। ताह ने तो रिव्यू दे दिया है, हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। डिफरेंट टाइप का है ये सूप है, टमाटो और सब जगह मिल जाएगा, लेकिन संतरे का सूप आपको डिफरेंट, एकदम डिफरेंट अगर टेस्ट करना है तो आप ये ट्राई करें। ये हमारे जो स्टार्टर्स थे, हमने जो ऑर्डर किए थे वो है ये स्टार्टर, जो कि गुलाटी स्टफ कबाब थे। तो अब हम लोग ये ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। वापस ट्रेन चले गए, हम लोग गुलाटी कबाब ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। गुलाटी कबाब देखिए आप, पूरा स्टफ है ये, सब पनीर है और ज़बरदस्त दिख, ज़बरदस्त रहा माशाल्लाह। पनीर और आलू की स्टफिंग है और ज़बरदस्त है माशाल्लाह, काफ़ी काफ़ी टेस्टी है। हम लोग ये ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम लोग मेन कोर्स ट्राई करेंगे। देखिए आप कितना ज़बरदस्त, इन्होंने जो ट्रेन जो आई थी वो एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। चलिए हम लोग ये ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर मेन कोर्स ट्राई करेंगे। ये हम लोगों का जो मेन कोर्स हमने ऑर्डर किया था, ये हनी चिली पटाटो है। ये कौन सा भैया? हांडी नवाबी पनीर। और ये जो उनका जो तवा सब्जी हमने ऑर्डर की है, चलिए हम लोग ये सब ट्राई करते हैं, फिर बात करते हैं। दाल भी यहाँ पे आ गई है।
ये देखिए दाल मखानी मेरी फेवरेट है। मैंने हमको सर्व किया, उसके बाद में पहले ये ट्राई करते हैं। मस्त है माशाल्लाह, मस्त। सबसे बड़ी बात, सारी चीज़ें अभी तक अच्छी है, अब हम लोग मेन कोर्स ट्राई करेंगे। रविंद्र भैया ये फिर से हमें ट्रेन आ गई है, इसमें हमारा रायता है, रायता ट्राई करेंगे। इसमें हमारे नान और जो जंगली रोटी हम लोगों ने ऑर्डर की थी वो है माशाल्लाह। पूरा खाना हमारे टेबल पर आ चुका है, सब चीज़ हम लोग ट्राई करेंगे। सब्जी आ चुकी है, ये पनीर की सब्जी है, पनीर जो नवाबी पनीर है, और ये जो तवा की जो सब्जी है, पहले मैं ट्राई करता हूँ सबको। ये मिक्स वेज जो सब्जी है इनकी वो है। सबसे पहले हम लोग पनीर ट्राई करते हैं। पनीर एक इतना सॉफ्ट है माशाल्लाह, एकदम फ्रेश है पनीर। अब मिक्स वेज हम लोग ट्राई करेंगे। वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है, खाने का बहुत ही मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। अब दाल मखानी की बारी है। दाल मखानी ऐसी चीज़ है जो हर रेस्टोरेंट में अच्छी नहीं मिलती, यहाँ की हम लोग ट्राई करते हैं। दाल मखानी अच्छी है, लेकिन हम लोगों ने जो वाजी वाक जो दाल मखानी खाई थी ना वो बेस्ट थी। यहाँ पे भी अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे दोनों को तो वाजी वाह की जो दाल मखानी है वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो हम लोगों ने सब चीज़ में ट्राई कर चुका हूँ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खाना है। हम लोग सब चीज़ें ख़त्म करते हैं, उसके बाद में इनकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप आराम से यहाँ जोधपुर में तो नेविगेट इनको कर सकते हैं। चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं, उसके बाद में बात खा ही रहे हैं माशाल्लाह। अब ये जो रायता का था हम लोग, मैं भूल गया था, तो उसको ट्राई करते हैं। पालक और जो लहसुन का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही किलर है माशाल्लाह, ज़बरदस्त रहता है। चलो हम लोग ये खाते फिनिश करते हैं फिर। अगर आपको वेज अच्छा खाना खाना है और डिफरेंट काइंड डिफरेंट टाइप का, अगर आपको कोई आपको जो एम्बियंस चाहिए या सर्विंग स्टाइल चाहिए, यहाँ पे सब लोग ट्रेन से सर्व करते हैं, तो आप यहाँ पे वेजिटेरियन में ज़रूर आएँ। चलिए हम लोग ये फिनिश करते हैं उसके। तो बस यहाँ पे हम लोगों का माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस ला। हम लोगों ने 5 लोग थे जिसमें से 2 बच्चे थे, 3 हम लोग बड़े थे, तो बिल हमारे पास आया 2580 रुपये का। तो बस ये हमने आपको बिल भी दिखा दिया, 2580 रुपये में हम लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त खाना खाया माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह ज़िंदगी, तो फिर मुलाकात होगी। आप शादाब टॉक्स को देखते रहें, हमें दुआओं में याद रखें, और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज़ लाइफ इज़ अ गिफ्ट। कुछ बोलना है? चलो अल्लाह हाफ़िज़।